मुंबई से बिलोंग कर रहे हैं। ये यश पाटिल ये मेरा लड़का है, ये महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ता था पहले। हम ऐसे सोचे सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा पढ़ाई होएगा, तो इसको हम सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कोटा। कोटा एक्चुअली इसकी सिस्टर थी, एलान में पढ़ती थी, एलान में उसका पढ़ाई हो गया नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो उधर ही इंक्वायरी करते करते एक एक स्टेप लेते लेते गुरुकुल का नाम पता चला, क्या कोटा में ही देगड़ा में करियर पॉइंट गुरुकुल एक स्कूल है, रेसिडेंस स्कूल। तो उसकी सिस्टर भी बोलने लगी कि यश को उधर ही शिफ्ट करो, उधर उधर रेसिडेंस स्कूल में एडमिशन ले। थोड़ा सा दिक्कत था, पढ़ाई होएगा नहीं होएगा क्या है, कैसा डर तो था ही, बच्चे में भी डर था आते आते। लेकिन एक बार हिम्मत किया, उससे अच्छा खुशी से बात करके एक डिसीजन ले लिया हम पापा मम्मी ने दोनों ने बच्चों से बात करके। तो पहले ही साल में उसने अच्छा ग्रोथ रिजल्ट दिया सर, उसने 90% तक निकाल दिया 8 स्टैंडर्ड में सीबीएसई बोर्ड में, हम खुश हो गए। उसके बाद में जो पढ़ाई उसकी ग्रोथ होते होते ही आई है, अच्छा खासा सब कुछ प्रोग्राम अच्छा होता है, अपडेशन वगैरह अच्छा मिलता है, बच्चों लोगों की दिक्कत जो भी है वो हर टाइम में ऑन दी स्पॉट सॉल्व होती है। पढ़ाई के बारे में सीबी गुरुकुल करियर पॉइंट का नाम तो बहुत बढ़िया है, हम नहीं सोचे थे उससे भी ज़्यादा पढ़ाई मिल रही है। अभी तो हमको ऐसा लग रहा है, हम तो पहले से बॉम्बे में सीमित नहीं कंजेस्टेड थे, लेकिन अभी हमको आसमान के तारे अभी गिनने की इच्छा हो रही है, ऐसे इतने एक्टिवेट हो गए। करियर पॉइंट गुरुकुल है ना, बहुत सारी सुविधा मिलती है, सभी सुविधा एक ही कैंपस में मिलती है।